नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश भर में बस एक ही सवाल कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। लगभग 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और अभी लगभग यही तय हुआ है कि तमाम राज्यों को अपनी अपनी रिपोर्ट देनी है, बताना है कौन से इलाके राज्यों के अंदर ज्यादा प्रभावित है, फिर अंतिम फैसले की तरफ देश बढ़ेगा। को देश में लॉकडाउन खुल जाएगा या फिर मिलेगी कोई और नई तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के साथ ही ये सवाल हर देशवासी के जहन में कौन था। 3 घंटे तक चली इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रेस रिलीज भी जारी की गई। इसके मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि सामूहिक प्रयासों का नतीजा दिखाई दे रहा है। 1.5 महीने में हम हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहे हैं। जो राज्य कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित हैं, वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन बनाकर लॉकडाउन में छूट निर्धारित करें। कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी नजर रहेगी। जहां हालात ठीक हैं, वहां जिला स्तर पर छूट मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमें 2 गज की दूरी का मंत्र पालन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि लॉकडाउन से निकलने के लिए सभी राज्यों को मिलकर एक रणनीति बनानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, इसको मिलकर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को एक मंत्र दिया कि 2 गज की दूरी का अगर हम पालन करते हैं तो इस लड़ाई को सफल बनाने में हम कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में सिर्फ केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन शामिल नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में मौजूद थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सिर्फ 9 मुख्यमंत्रियों से बात की। प्रधानमंत्री जी का सार आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यही था कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा और आने वाले समय में काफ़ी दिनों तक हमारे बीच में रहेगा। तो एक तो ये क्लियर मैसेज उनने दिया कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। दूसरा, ये जो 3 जोन की बात होती है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, तो इसके बारे में भी उनकी राय जो थी वो यही थी कि ये फ्लूइड है। जो ग्रीन जोन है ये ऑरेंज बन सकता है, जो ऑरेंज जोन है ये रेड बन सकता है, रेड के अंदर स्थिति और खराब हो सकती है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों की पीठ थपथपाई और कहा कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय नहीं रोकी जा सकती। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, हमें धैर्य पूर्वक लड़ना है। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उधर सियासत भी गर्म हो रही थी। कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाए। ऐसा ही हिंदुस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही खराब था, अब एकदम जर्जर हो चुके हैं, लोगों को जीना मुश्किल हो गए हैं। तो आर्थिक मतलब एक्टिविटी अगर ना बढ़े तो इससे निपटना बड़ा मुश्किल होगी। लेकिन कोरोना की आज की जो असर हुआ है हिंदुस्तान में, इसे मद्देनजर सरकार को ठीक ढंग से रास्ता अपनाना चाहिए। कोरोना संकट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च को पहली बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। इसके 4 दिन बाद 24 मार्च को मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। इसके बाद पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को भी मुख्यमंत्रियों से बात की थी। इसके 3 दिन बाद 14 अप्रैल को मोदी ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। अब लॉकडाउन खत्म होने की तारीख 3 मई से
हफ्ते भर पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में मेघालय, ओडिशा और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही है। अब लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ेगा या नहीं, इसका पता तो पीएम मोदी के चौथे संबोधन में ही चलेगा। 3 मई तक। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर फैसला अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच 5 से राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले नहीं रुक रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। और इसी वजह से इन राज्यों को लेकर यह कहा जा रहा है कि जहां जहां पर कोरोना से राहत है, क्या वहां पर सिर्फ लॉकडाउन से भी राहत दी जाएगी, यानी उन राज्यों को ही राहत जहां पर कोरोना के कम मामले हैं। ऐसा मंजर दशकों से देश ने देखा नहीं था। सड़कें सूनी हैं, फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं नहीं उगल रही हैं, सारा कामकाज ठप है, लोग घरों में कैद हैं, जिंदगी डवाडोल है, प्रगति के पहिए थमे हुए हैं, अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में यक्ष प्रश्न बन गया है कि आखिर कब खुलेगा लॉकडाउन। ये कोई भी मुख्यमंत्री अभी इस स्थिति में नहीं कि 3 तारीख के बारे में अभी से कुछ निर्णय ले सके। 1-2 तारीख को या अधिकतर 3 तारीख को ही सब इस बारे में निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना। सरकार के वित्तीय हालात और देश के लोगों के वित्तीय हालात एक जैसे ही हैं, सब काम धंधे बंद हैं, तो लोगों के पास टैक्स भी आना, सरकार के पास टैक्स भी नहीं आ रहा है और सरकार से अपेक्षाएं भी हैं और खर्चे भी कोविड की वजह से बहुत पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि जिन राज्यों में कोरोना का असर कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, वहां कुछ छूट दी जा सकती है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 8 राज्य हैं जहां कोरोना वायरस का अब तक एक भी केस नहीं है। ये राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, गोवा, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। उधर देश के कई राज्य कोरोना संकट से अभी भी जूझ रहे हैं, वहां कोरोना के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यहां लॉकडाउन में ढील देना खतरे से खाली नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,060 से ज्यादा मामले हैं, 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,300 से ज्यादा हो गई है, 150 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 2,918 केस हो गए हैं, जबकि 54 लोगों की यहां मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस के 2,185 मरीज हैं, 33 लोगों की यहां अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 2,096 लोग संक्रमित हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,868 मामले सामने आ चुके हैं, अब तक 29 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। यूपी सरकार कोरोना से निपटने के लिए कड़े फैसले ले रही है, यहां तक कि पिछले दिनों दिल्ली से लगा यूपी का पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है। सवाल यह है कि यूपी या फिर अन्य राज्यों में लॉकडाउन पर फैसला कैसे लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने की बात की है। आंकड़े भी कह रहे हैं कि देश में तमाम जगह हालात काबू में है। देश के 85 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं, 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उनसे 3 जोन बनाकर लॉकडाउन हटाने की रणनीति मांगी है, उससे साफ है कि 3 मई के बाद उन जगहों पर लॉकडाउन में राहत मिल सकती है जहां कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन जहां कोरोना अभी भी पांव जमाए हुए है, वहां लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ना करीब करीब तय है। आशुतोष के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लॉकडाउन पर क्या फैसला लिया जाएगा,
अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाने की जरूरत है, केंद्र राज्य कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर हमने कुछ देर पहले बात की राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से। सचिन जी, आज मैं वही सवाल आपसे पहला पूछूंगी जो शायद देश का कोई भी आम व्यक्ति अगर उसको सीधा एक्सेस होता तो वो आपसे यही पूछता। सर, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किस तरह से, क्या इतनी ही सख्ती के साथ? मुझे लगता है कि लॉकडाउन की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि संपूर्ण देश को पूरी तरह लॉकडाउन में रखना बहुत लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ेगा, लेकिन जो एहतियात और जो प्रिकॉशंस हमको लेने हैं उसमें कोई ढिलाई देने की स्थिति में हम वहाँ पर नहीं होंगे जहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा हैं। जिन स्टेट्स में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, संक्रमण का खौफ ज्यादा है, वहां पर हमें अपना लॉकडाउन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मत भूलिए कि पिछले 40-35 दिनों की जो मेहनत है वो धराशायी हो जाएगी अगर हम सारे यातायात, बसें, ट्रेन खोल देंगे। तो स्टेजेस में खोलना पड़ेगा, और अलग अलग राज्य के भीतर में भी अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थितियां हैं, उसके अनुरूप हमें गतिविधि को, आर्थिक कामों को थोड़ा पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और किसानों के लिए, खेत में जो हमारा कृषक वर्ग है उनके लिए पूरी खुली छूट देकर काम कराना पड़ेगा ताकि जो हमारा सप्लाई चेन है वो लगातार मेंटेन रहे। तो लॉकडाउन की जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिशिंग है, लेकिन ये कहना बड़ा गलत होगा कि हम अति आत्मविश्वास में लॉकडाउन को उठा दें और फिर दोबारा से संक्रमण दोबारा फैल जाए। ये मैं समझता हूँ किसी कीमत पर हमारा मुल्क, हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसको हम सहन कर पाए। एक एग्जिट प्लान की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आपकी नजर में जो आप देख रहे हैं पिछले दिनों में, किसानों का आपने कहा जरूरी है, कुछ फैक्ट्रीज में जहां वर्कर्स वहीं रह सकते हैं उसको हम धीरे धीरे रिज्यूम करें, स्कूल्स, कॉलेजेस, बाहर लोगों का निकलना, मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, इन सब को लेकर आपकी क्या सोच है, और क्या आप नहीं चाहेंगे कि पूरे देश की एक नीति बने जो केंद्र की तरफ से इस पर आए, या आपको लगता है कि ये राज्यों पर छोड़ना सही रहेगा? मैं नहीं मानता हूं कि दिल्ली में बैठकर हम इतने बड़े देश के लिए एक नीति बना दें, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में ठीक है वो केरल में नहीं चल पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों की शुरुआत उस अपडेट के साथ जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन से जिलों में, कौन सी जगहों पर कोरोना के मामलों में अचानक उछाल आई है। तो आपको बता दें, नोएडा में कोरोना के 14 नए मामले आए हैं। नोएडा में 129 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 71 मरीज अभी तक यहां पर ठीक भी हो चुके हैं। नोएडा के 2 अस्पतालों पर कोरोना का कहर। 7 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में 6 संक्रमित। नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या अब बढ़कर 46 हो चुकी है। देश में कुल जितने भी कोरोना के मामले हैं उनमें 50% हिस्सेदारी तो सिर्फ 3 राज्यों की है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। क्यों बेइंतहा बढ़ रहे हैं यहां पर कोरोना के मामले, क्या होगी इनकी रणनीति, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। राज्यों में देश के 50% कोरोना केस, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। कोरोना वायरस के मरीजों में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करना जरूरी। कोरोना से कैसे बचेंगे दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात? दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,08,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लाख के करीब लोग कोरोना से संक्रमित हैं।
हर रोज कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की लिस्ट से बाहर है, लेकिन भारत में भी जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत में कोरोना की स्पीड सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में हाई है। सबसे पहले दुनिया के 10 देशों पर नजर डालते हैं। अमेरिका 987,160, स्पेन 226,629, इटली 197,675, फ्रांस 162,100, जर्मनी 157,770, ब्रिटेन 152,840, तुर्की 110,130, ईरान 90,481, चीन 82,830, रूस 80,949। लेकिन चीन बड़ी चालाकी से कोरोना की लिस्ट में तेजी से, चीन में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इन 3 में से भी 2 बाहरी हैं। चीन में कोरोना के मामले बढ़कर अब 82,830 हो गए। अब तक करीब 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 77,400 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं वुहान के अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीन जहां से दुनिया भर में ये बीमारी फैली, वहां सिर्फ अब 3% मरीज हैं। दुनिया में करीब 19 लाख एक्टिव केस हैं। इनमें से सिर्फ 812 ही चीन में हैं। इस तरह अमेरिका में कोरोना की महामारी 32.78%, स्पेन में 7.63%, इटली में 6.66%, फ्रांस में 5.51%, जर्मनी में 5.34%, इंग्लैंड में 5.56%, चीन में 2.82% है और बाकी दुनिया में 33.7% कोरोना की बीमारी फैली है। वहीं भारत सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित देशों की लिस्ट में 16वें नंबर पर है। भारत में कोरोना का मीटर 28,000 के पास पहुंच गया है। भारत में हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ 50% मामले महज 3 राज्यों में हैं। कोरोना वायरस भारत के 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है, यानी इनको जोड़ दिया जाए तो 32 राज्यों में 27,890 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि देश के 50% कोरोना के मरीज महज 3 राज्यों, महाराष्ट्र 8,068 केस, गुजरात 3,301 केस और दिल्ली 2,918 केस, यानी कुल 14,287 केस हैं। कल से अगर हम देखें तो भारत में 1,396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, विच टेक्स आर टोटल कंफर्म केसेस टू 27,892। 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्संस हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। देश में 5 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 8,226 केस सामने आए। 25 अप्रैल 1,835 केस, 23 अप्रैल 1,667 केस, 26 अप्रैल 1,607 केस, 19 अप्रैल 1,580 केस, 21 अप्रैल 1,537 केस। कोरोना का देश में सबसे बुरा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। यहां अब तक सबसे ज्यादा 8,068 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 342 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के संक्रमण में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, तो 32 राज्यों में से सिर्फ 7 राज्यों में कोरोना के 80% केस सामने आए और 84.3% मौतें हुई हैं। भारत में 30 जनवरी को सबसे पहला कोरोना का केस केरल में सामने आया था। इसके बाद से कोरोना पूरे देश में फैलता चला गया। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सबसे बड़ी चिंता। तो इसी बीच सबसे बड़ी चिंता ये है कि आखिर कुछ राज्यों में मृत्यु दर
कुछ जगहों पर मृत्यु दर अन्य जगहों से ज्यादा क्यों है? इसी में अब नई जानकारी आ रही है कि कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन हैं, लेकिन उनमें से एक स्ट्रेन एल स्ट्रेन सबसे घातक है। कोरोना से संक्रमितों के मामले में भले ही महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, लेकिन इस वक्त देश को सबसे ज्यादा गुजरात डरा रहा है और गुजरात में भी खास तौर पर अहमदाबाद। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद गुजरात के अफसर कह रहे हैं। पछी आपने जो मेहनत करी रहा छे तो केस डबलिंग रेट 4 दिवस नो थयो छे। अभी हाल अहमदाबाद में 4 दिवस नी आजूबाजू नो केस डबलिंग रेट छे। जो 4 दिवस दर चौथा दिवसे केस डबल थाय तो अमे जे आकलन कर्यु छे, ने आ आकलन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा पण करवामां आव्यु छे, 15 मे सुधी में लगभग 50,000 केस अहमदाबाद शहर में थाय अने 31 मे सुधी में 8,00,000 जेटला केसो थाय। गुजरात में इस वक्त 3300 से ज्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। अकेले अहमदाबाद में 2000 से ज्यादा मरीज हैं। कोरोना वायरस से अहमदाबाद नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद और पूर्व प्रतिपक्ष के नेता बदरुद्दीन शेख की भी मौत हो गई। बदरू के नाम से मशहूर कांग्रेस के दिग्गज नेता बदरुद्दीन शेख अहमदाबाद में गरीबों की मदद कर रहे थे, वहीं से उनको कोरोना हो गया। वो कहते थे कि कोरोना वायरस को चलते गरीब लोग बहुत दुखी है, मेरे घर तक आ जाते हैं, फिर मैं उसे मिलने से कैसे मना कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ, उनकी आवाज सुनता हूँ और जो भी ऑफिसर्स है उनके तक उन गरीबों की आवाज पहुंचा के जो भी मदद हो सकती है वो गवर्नमेंट से भी और अपने से जो हो सकता है वो करवाने की मैं कोशिश में लगा हूं। यही सेवा करते करते खुद को कोरोना वायरस हो गया। बड़ी दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच से चले गए। गुजरात में कोविड 19 से मृत्यु दर ज्यादा है, इसके पीछे कोरोना वायरस के एल टाइप स्ट्रेन को बताया जा रहा है। एल टाइप स्ट्रेन वाला वायरस चीन के वुहान में पाया गया था। कोरोना का ये वायरस बेहद घातक है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक ने भी गुजरात में एल स्ट्रेन वाले वायरस की पुष्टि की है। हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज होने की संख्या और जिसकी गति है थोड़ी कम है, और वैसे मृत्यु जो कोविड की चिकित्सा दरमियान जो मृत्यु होते हैं उनकी भी संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो इसकी जब हमने तज्ज्ञों और जो निष्णात लोग हैं डॉक्टर्स उनसे चर्चा की तो बताया गया है कि दो प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं। एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा एक विरुलेंट जिसकी असर ज़्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। उधर मुंबई के लिए कोरोना एक चुनौती बनता जा रहा है। मुंबई के 6 वार्ड अब तक कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं। हर वार्ड में 300 से ज्यादा मरीज हैं। अकेले मुंबई में 5,000 से ज्यादा केस हैं। हालांकि अब गुड न्यूज भी आ रही है। आखिर क्या है मुंबई के लिए गुड न्यूज, आइए सुनते हैं। लगातार मुंबई में जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी बीच मुंबई से एक अच्छी खबर भी आ रही है। पिछले हफ्ते मुंबई में जो कंटेनमेंट जोन्स का जो आंकड़ा था वो 1,000 के पार चला गया था, लेकिन अब वो घटकर 805 पर पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में हॉटस्पॉट बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली में फिलहाल हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2 और नए हॉटस्पॉट बढ़े हैं। जहां जहां कंटेनमेंट जोन हमने बनाए हैं वहीं तक सीमित रह गया है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और कंटेनमेंट जोन में भी जब लोगों ने सख्ती अपने ऊपर कर ली तो वहाँ कंटेनमेंट जोन में भी आगे नहीं बढ़ा। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन अब ग्रीन हो गए हैं, उनको अब खोलने की बारी आ गई है। अगले कुछ दिनों में और कंटेनमेंट जोन खुल जाएंगे, वापस नॉर्मल लॉकडाउन में चले जाएंगे। ये सुनकर के फिर दिल्ली के लोगों को ये उम्मीद होने लगेगी कि क्या 3 तारीख के बाद राहत मिलेगी राजधानी को? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 5-6 दिन है। 5-6 दिन पहले ये कहना कि 2 तारीख की स्थिति क्या होगी, ये कम से कम कोरोना के करेक्टर को देखते हुए कहना मुश्किल है। लेकिन आज जो हालात हैं दिल्ली में उसको लेकर बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, पर
अच्छे हालात तब होंगे इससे जब हम 3 तारीख तक के लॉकडाउन को और सख्ती से पालन करेंगे। अगर आपके एरिया में कंटेनमेंट जोन घोषित है तो वहां तो बहुत लाजमी है कि आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, घर से नीचे भी कदम ना रखें। रमजान के महीने में लोगों को हॉटस्पॉट के चलते काफी परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। पुरानी दिल्ली का चांदनी महल इलाका रेड जोन घोषित हो चुका है। रमजान के रोजा इफ्तार के वक्त अजान की आवाज आते ही जामा मस्जिद नमाजियों से भर जाती थी, अब शाही मस्जिद भी वीरान पड़ी है। लोग कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन की सारी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी खांगर और मुंबई से सौरभ बक्तानिया के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना के संक्रमण से लेकिन बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है देश के उन कोरोना वॉरियर्स को जो अस्पतालों में डटे हुए हैं, और इसीलिए चिंता इस बात को लेकर है कि चाहे वो राजधानी दिल्ली हो जहां 12 अस्पतालों में कोरोना पहुंच चुका है, चाहे देश के अन्य अस्पताल, इन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का बीमार पड़ना महंगा पड़ सकता है। कोरोना का ना कोई धर्म होता है और ना ही वो किसी की पहचान करके आता है। देश की राजधानी इस वक्त जैसे मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है। जी हाँ, एक के बाद एक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में रोहिणी अंबेडकर हॉस्पिटल के 32 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के 65 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में बाबू जगजीवन राम अस्पताल के स्टाफ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां डॉक्टर समेत 44 मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा एम्स में भी 2 नर्स और 1 डॉक्टर संक्रमण के शिकार हुए हैं। मेडिकल स्टाफ जो है उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे में उनके लिए, उनका ध्यान रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सबको गाइडलाइन जारी की गई है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ज़्यादातर केस ऐसे आ रहे हैं कि जैसे जहांगीरपुरी में है, वहाँ पर जिस गलियों में जहाँ पहला वहाँ पे भी हमारा स्टाफ रहता था, तो उस स्टाफ को लगता है कि वहाँ से शायद स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से फैला है। तो मैं कह रहा हूँ सब तरह से प्रिकॉशंस रखे बताया गया है। इसी तरह से दिल्ली के 12 अस्पतालों में 90 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि देश भर की बात की जाए तो 12 अप्रैल तक 96 डॉक्टर्स और 156 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके अलावा 826 मेडिकल स्टाफ को देश भर में क्वारंटीन किया गया है। साथ ही कम से कम 20 अस्पताल या तो बंद हैं या थोड़ी बहुत सेवाएं ही दे रहे हैं। जबकि इटली के बारे में खबर ये है कि वहां 12,681 मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान में 40 डॉक्टर्स और 130 नर्सों में कोरोना वायरस पाया गया। सवाल उठता है कि स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण कैसे फैल रहा है? क्या उनके पास पीपीई किट की कमी है, या फिर इलाज के दौरान किसी लापरवाही से वायरस का संक्रमण फैल रहा है? आज तक ब्यूरो। और भाई आपको दिखाते हैं मुंबई पुलिस की ये तस्वीर। जब मुंबई पुलिस के एक अधिकारी को कोरोना की शानदार जीत के बाद शानदार फूलों का स्वागत और अभिनंदन मिला अपने ही साथियों की तरफ से। मधुकर कार्ड इस पुलिस अधिकारी का नाम। अस्पताल से वो कोरोना से जंग जीतने के बाद डिस्चार्ज किए गए। पूरी टीम ने फूल बरसाकर उनका खूब स्वागत किया। भावुक कर देने वाला ये सीन था। पुलिस अफसर को महाराष्ट्र पुलिस का सल्यूट। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।